हेडिंग डालेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ different types of velocity time graphs. Different types of velocity time graphs. अब velocity time graph जो है वो कितने कितने तरीके के हैं? First type इधर एक्स एक्सिस पर ले लीजिए टाइम और वाई एक्सिस पर ले लीजिए वेलोसिटी। तो ये आप एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसको क्या कहेंगे? इट सजेस्ट दैट द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। It suggests that the body, it suggests that the body is moving with uniform uniform velocity. Second type का देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि time हम बढ़ाते जा रहे हैं लगातार। आप ये देखिए कि टाइम हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है, जिसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, सेकेंड टाइप का ग्राफ देखेंगे। सेकेंड टाइप का जो ग्राफ है उसमें क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। तो ये इस तरीके से बढ़ता हुआ है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है ये। तो यहां पर हम ये कहेंगे इट सजेस्ट दैट Body is moving with uniform acceleration. इट सजेस्ट दैट बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। आप ये देखिएगा कैसे हम ये देख रहे हैं कि जैसे 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 मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ तो अगर टाइम इतना है तो वेलोसिटी की वैल्यू इतनी है, अगर टाइम इतना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी की वैल्यू इतनी है। तो वेलोसिटी लगातार जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है। और वेलोसिटी के यूनिफॉर्मली बढ़ने का मतलब ही तो एक्सेलरेशन होता है। तो इट सजेस्ट दैट द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये दोनों क्लियर हैं सभी को? बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूं फिर। थर्ड देखेंगे।
और यहां पर ना एक चीज और लिख लेना, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, एक लाइन और लिख लेना, विद इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। क्योंकि यहां पर आप ये देखिए कि जब टाइम हमारा जीरो है, मतलब जब बॉडी का मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, मतलब वेलोसिटी भी जीरो है। फिर धीरे से टाइम बढ़ता है तो टाइम के साथ साथ फिर वेलोसिटी भी बढ़ती है, फिर टाइम और बढ़ता है तो उसके साथ साथ वेलोसिटी और बढ़ती है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। अच्छा, फिर देखेंगे थर्ड टाइप का ग्राफ, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। अब ये वाला ग्राफ भी आप देखिए, नीचे से ऊपर तक बढ़ते हुए है। जब नीचे से ऊपर तक ग्राफ बढ़ता हुआ है, इंक्लाइनिंग स्लोप है इसका, तो उससे भी मुझे ये समझ में आ जाता है कि हमारा जब वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन यहां पर क्या है कि जो ये वाला ग्राफ हमारा स्टार्ट हुआ था, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। लेकिन यहाँ पर ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं है, कुछ है, ठीक है। कितनी है? यहां से यहां तक जो भी वैल्यू होगी, दैट इज माई इनिशियल वेलोसिटी। तो हम कहेंगे इट सजेस्ट दैट द बॉडी is that the body is moving with सर। हाँ जी बोलिए सर, फर्स्ट वाला और थर्ड वाले को एग्जांपल लिया ना। फर्स्ट और थर्ड वाले का एग्जांपल नहीं समझा? नहीं सर, रियल लाइफ एग्जांपल। अच्छा बता रहा हूँ अभी, एक मिनट। इट सजेस्ट दैट द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी जरूर होगी। वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया u, वो इनिशियल वेलोसिटी u। अब आप ये देख लीजिए, ये तीनों हमने करे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन तीनों का हम कुछ ना कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में आप ये देखिएगा कि इसमें हमारा क्या है कि ओरिजिन तो ये है जीरो, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि टाइम धीरे 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 बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी उतनी की उतनी है। हमारा अगर जीरो पर देखूँ तो भी वेलोसिटी उतनी, वन पर देखूँ तो भी वेलोसिटी उतनी, टू पर देखूँ, मतलब टाइम बढ़ाते जाओ तो वेलोसिटी हमारी सेम है। यानी कि वी आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है, ये सोचिए हम अपने स्कूटर पर बैठे हुए हैं और हमारे स्कूटर की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलते जा रहे हैं। हमारी स्पीड ना तो बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है, मतलब हम लगातार सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से चलते जा रहे हैं। बताइए, क्लियर है? यस सर। फर्स्ट वाला तो समझ गए होंगे। सेकेंड वाला देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें क्या है कि इस तरह से लगातार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हम स्कूटर पर बैठे हुए हैं और धीरे 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 हम उसकी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन हमने स्टार्ट कब करा था? हमने रेस्ट से स्टार्ट करा था, ठीक है। तो जब हम रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, जीरो वेलोसिटी से जब हम स्टार्ट करते हैं, तो तब ये कहा जाता है कि भाई हमारा, और लगातार स्पीड को बढ़ाते चले जाएं, तो हम ये कहते हैं कि वी आर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसका ग्राफ ऐसा बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो ये सेकंड वाले का एग्जांपल हो गया। थर्ड वाले का एग्जांपल ये है कि हम ना लगातार लगातार हम किसी वेलोसिटी से जा रहे थे, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 4 सेकंड पर हम किसी भी वेलोसिटी से जा रहे थे। वो कम वेलोसिटी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कितनी भी हो। तो फिर मेरे को क्या होता है कि मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, अब मुझे अपने मोशन को एनालाइज करना है, अब मुझे देखना है कि मेरा मोशन किस तरीके का जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम स्कूटर चला रहे हैं और स्कूटर पे हमने हाथ में एक स्टॉप वॉच ली और हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। तो जिस इंस्टेंट पर मैंने स्टॉप वॉच को ऑन करा, तो वो जो मेरा इंस्टेंट था, वो मेरा टाइम जीरो था।
यानी कि वो ये वाला टाइम था, टाइम जिसको हम जीरो बोल देते हैं, कि जब हमारा मोशन, जब हमने मोशन को एनालाइज करना शुरू करा, तो इस इंस्टेंट पर जब मैंने स्टॉपवॉच को ऑन करा, उस इंस्टेंट पर जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कुछ भी थी, यू थी, है ना। और फिर मैंने क्या करा कि जैसे ही मैंने मोशन को एनालाइज करना शुरू करा, फिर मैं धीरे 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 स्पीड को बढ़ाता चला गया। तो जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ होती है और तब मैं लगातार स्पीड बढ़ाता चला जाता हूँ, तो इस केस को हम ये बोलते हैं कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट वॉज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब जीरो नहीं थी। जैसे यहाँ पर तो हमने जब अपना एनालिसिस स्टार्ट करा तब बॉडी रेस्ट में ही थी, ठीक, और यहाँ पर जब एनालिसिस स्टार्ट करा तब बॉडी रेस्ट में नहीं थी। समझ गए? समझ गए? क्लियर है रोहन? क्लियर है? बताओ। यस सर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे आगे देखते हैं, बस एक मिनट। फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ टाइप की कैटेगरी आप देखिएगा। इट सजेस्ट दैट द बॉडी, इट सजेस्ट दैट द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इट सजेस्ट दैट द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब जरा देखते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें फर्क क्या होता है, ये समझते हैं। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन जो लगातार बढ़ता चला जाए, ठीक। और जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसमें क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन जिसमें कॉन्स्टेंट रहे। तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट अगर रहता है तो उसका मतलब क्या है, आप ये देखिएगा कि वेलोसिटी हमारी, मान लीजिए ये है वेलोसिटी, और दोनों ही केसेस में, चाहे मैं पार्ट थर्ड की बात करूं चाहे मैं पार्ट फोर्थ की बात करूं, दोनों ही केसेस में हमारी वेलोसिटी तो लगातार बढ़ ही रही है, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है। यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में मतलब बताता हूँ मैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए ऐसा होता है इसमें कि जब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, मेरी वेलोसिटी अभी थी 1 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकेंड पर, और ये मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ और इधर मैं ले रहा हूँ टाइम, ये 1 सेकेंड में वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, फिर जब 2 सेकेंड हुआ टाइम तो वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, जब 3 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है ना, ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस वेलोसिटी का ही, कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़कर हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में बढ़कर हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, और 3 सेकेंड में बढ़कर हो गई आपका 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो बढ़ तो रही है, इधर भी वेलोसिटी पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे पर 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे पर 3 मीटर पर सेकंड, तो लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन एक पैटर्न है उसका बढ़ने का, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ये हर सेकंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 1 मीटर पर सेकंड। भाई इधर 1 थी, 1 में 1 मीटर पर सेकंड और ऐड हो गया तो 2 मीटर पर सेकंड,
मीटर पर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड जो है वो और ऐड हो गया, मतलब कितना 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 जो है बढ़ रहा है, वही तो वो देख रहे हैं। ठीक है, दोबारा देख लो। ये वेलोसिटी है हमारी 1 मीटर पर सेकंड, पहले सेकंड में वेलोसिटी बढ़कर हो गई 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे में 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे में 3 मीटर पर सेकंड। तो वो बढ़ने का एक पैटर्न है कि वो इक्वल इंटरवल्स में बढ़ रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स में बढ़ रही है। तो 1 मीटर पर सेकंड है, फिर 1 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 2 हो गई, फिर एक अगले सेकंड 1 मीटर पर सेकंड और हो गई तो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये एक पैटर्न है कि हर सेकंड पर 1 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन है लेकिन उसका एक पैटर्न है। तो ये वाला जो केस है, दिस केस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पर देखिए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो अगले सेकेंड में कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। भाई 1 + 2 = 3, तो 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। अगले सेकंड में क्या हुआ कि अब अगले सेकंड में बढ़ गई 3 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि वेलोसिटी का जो बढ़ना है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं है, वो इंक्रीजिंग पैटर्न में है कि पहले 1 मीटर पर सेकंड, तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 2 मीटर पर सेकंड का, फिर 3 में कितना इंक्रीज हुआ, 3 मीटर पर सेकंड का। तो ये एक इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग वे है जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म वे था जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन दोनों ही केसेस में वेलोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म वे है, दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर इंक्रीजिंग वे में वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बताइए समझ में आया कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ जी यहाँ बताइए। पे एक्सेलरेशन वर्ड यूज करने की जगह हम वेलोसिटी भी कर सकते हैं ना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नहीं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों ही केसेस में बढ़ रही है। देखो वेलोसिटी इसमें भी बढ़ रही है, वेलोसिटी इसमें भी बढ़ रही है, लेकिन हमें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्यों यूज करना है टर्म? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इस वजह से करना है क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों में बढ़ रही है। इसमें हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म वे में बढ़ रही है, और यहां पर आप ये कहेंगे कि वेलोसिटी जो बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग नोट। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग नोट, इस चीज को 2 बार लिखना आपको कि वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है और एक इंक्रीजिंग नोट पर इंक्रीज हो रही है, वो लिखने से ज्यादा बढ़िया ये है कि आप लिखो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। समझ गए? ठीक ओके सर, है ना, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। बाकी बच्चे भी बताइए, सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर, अर्जुन बताइए, क्लियर है? यस सर, बताइए। ओके, आर्यन, भव्या, दिवस, सर चलिए अब आगे स्टार्ट करता हूं मैं। इसमें अगला देखता हूं, ये फोर्थ टाइप का हमारा ग्राफ था, लक्ष्य समझ गए ना? अब फिफ्थ टाइप देखिए, फिफ्थ भी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं अगला क्या बताने वाला हूं। देखिए मैं इधर बना रहा हूं इसको, चलिए इधर ही बना लेता हूँ इसको, फिफ्थ को। ये टाइम हो गया और ये हो गया वेलोसिटी। अब जो ग्राफ है, ये ग्राफ तो इस तरीके का था एक्सपोनेंशियल, ये ग्राफ जो है अगला वाला ऐसा है, ऐसा ग्राफ। तो
तो ऐसे ग्राफ का मतलब क्या है कि शुरुआत में तो थोड़ा तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, फिर बढ़ तो रही है वेलोसिटी लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ रही। मतलब देखिएगा मैं इसको क्या कहूंगा, पहले तो नोट करें इसमें, इसमें लिखेंगे इट सजेस्ट दैट द बेटा दिखाई दे रहा है सबको नीचे तक? Yes, sir. That the body is moving with, it suggests that the body is moving with, body is moving with decreasing acceleration. अब आप ये कहोगे कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है भाई? बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन? नहीं, ये नहीं है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन समझना, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये है, मैं फिर से ऐसे ही एक एग्जांपल देता हूँ, इधर ले लिया हमने टाइम और इधर मैंने ले ली वेलोसिटी, अब देखिए पहले सेकंड पर तो इसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी बढ़कर हुई 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई 2.5 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी बढ़कर हुई 2.75 मीटर पर सेकंड। ठीक, इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई बढ़ तो रही है वेलोसिटी लेकिन शुरुआत में थोड़ी ज्यादा बढ़ी, फिर थोड़ी कम बढ़ी, फिर थोड़ी कम बढ़ी, मतलब बढ़ रही है। ठीक, और जो रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी का लगातार कम होना, कि मतलब अगर पहले 1 है तो अगले सेकंड पर 1 ना रहकर 1 से कम हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। आप ये देखेंगे कि ये भी वेलोसिटी 1 से ज्यादा 2 है, 2 से ज्यादा 2.5 है, 2.5 से ज्यादा 2.75 है। एक्सेलरेशन तो है लेकिन एक तो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बराबर 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 वैल्यू बढ़ती जा रही है, 1 मीटर पर सेकंड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये तो हो गया यूनिफॉर्मली बढ़ना। एक हो गया कि पहले बढ़ी 1 से बढ़कर हो गई 3, तो 1 से कितने का जंप लगा? 2 का, फिर 3 से बढ़कर फिर हो गई 6, अब लग गया 3 का जंप। ठीक, तो अगर बराबर बराबर का जंप लगता है तब तो मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी में बढ़ता हुआ जंप लगता है तो मैं बोलता हूँ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी में घटता हुआ जंप लगता है, जंप देखिए क्या है कि ये 1 से 2 था तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 2 माइनस 1 हो गया 1, फिर 2.5 माइनस 2 0.5। हाँ सर, जो ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है उसमें एक पॉइंट ये भी पाएगा कि जब वो डीएक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो घटना कम हो जाएगा। दोबारा सर, इसी ग्राफ में डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में एक पॉइंट ये भी तो आएगा कि जब वो एक्सेलरेशन होना बंद हो जाएगा फिर डीएक्सेलरेशन शुरू हो जाएगी। अब ठीक है? यस सर। और सर इसमें एक्सीलरेशन खत्म नहीं हो जाएगा अगर बार बार, अगर हर बार कम होता है कि 1 से फिर 0.5 फिर 1 पॉइंट पे 0 आ जाएगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं जाएगी इसके बाद? नहीं, इसके बाद की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बस यहीं पर रुक गया, मैं इसके बाद की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप ये कहिए ना कि हमने यहाँ पर देखी वेलोसिटी, तो यहाँ पर वेलोसिटी इतनी, फिर यहाँ पर देखी तो यहाँ पर वेलोसिटी इतनी, फिर यहाँ पर देखी तो यहाँ पर बहुत मामूली सी बढ़ी है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। वो जो मैंने ये थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया था तो इससे तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैंने इसको हटा ही दिया कि अब रिटार्ड नहीं, तो वो रिटार्डेशन था जो तुम सही कह रहे थे, वो रिटार्डेशन था। ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आ गया? देखिए अब अगला देखेंगे, अगला जंप 2.75 माइनस 2.5 कितना हो गया, 0.25। ओ भाई, पहले जो है, पहले तो कितने का इंक्रीज हो रहा था, 1 का इंक्रीज तो हो रहा था ना, वेलोसिटी बढ़ तो रही थी ना, हमने कहा हाँ बढ़ रही थी, फिर क्या हुआ, फिर 0.5 का इंक्रीज हुआ, अच्छा मतलब अब भी वेलोसिटी बढ़ रही है, ओके
लेकिन पहले वन की बढ़ा, वन का इंक्रीमेंट हुआ था, अब हुआ 0.5 का इंक्रीमेंट, पहले अब 0.5, अब इसके बाद 0.25 और कम हो गया, तो इंक्रीमेंट तो लगातार हो रहा है, वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी धीरे 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 बढ़ रही है, पहले थोड़ी तेजी से बढ़ रही थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का बराबर बराबर अंतर पर बढ़ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का इंक्रीजिंग नोट पर बढ़ना इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। जब ये जंप ज्यादा ज्यादा के लगने लगते हैं, वन से जंप लगकर टू का जंप लगा तो थ्री हो गया, थ्री से थ्री का जंप लगा तो सिक्स हो गया, फिर वन से वन का जंप लगा तो टू हो गया, अब टू से 0.5 का जंप लगा, तो जंप कम लग रहे हैं, अब उतने ज्यादा जंप नहीं लग रहे, जंप घटते हुए ऑर्डर में लग रहे हैं, तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो सभी को ये चीज क्लियर है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या है, सभी को बताइए। अरे बोलो, क्लियर है इतना, चलें आगे। यस सर। ठीक है जी, उसके बाद अगला देखते हैं, अगला ग्राफ। सिक्स्थ पार्ट, इसका जो सिक्स्थ ग्राफ है वो देखते हैं। इधर ले लिया टाइम, और इधर वेलोसिटी, टाइम और वेलोसिटी। अब ऐसे बता देना क्या है ये सर, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बिल्कुल सही, दिस इट सजेस्ट दैट द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इट सजेस्ट दैट the body is moving with uniform retardation या deceleration। तो लगातार velocity जब घटती जाती है, ये कब होता है, ये breaking के केस में होता है, लिख दीजिए यहां पर breaking। जब हम किसी भी vehicle में brake लगाते हैं, तो brake लगाते हैं तो धीरे 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 velocity उसकी कम 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 होती चली जाती है और फाइनली रुक जाता है, ठीक है। विदुषी बताइए, क्लियर है? ओके, अगला देखते हैं इसका। अच्छा बेटा एक मिनट वेट करिए, बस मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट वेट करें सभी बच्चे प्लीज। चलिए जी, इसके बाद मैं उस तरफ कर रहा हूँ। इसके बाद के दो तीन ग्राफ्स दे रखे हैं, वो मतलब एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ और आप लोग समझ भी जाएंगे उसमें, सिर्फ समझने के लिए समझ लीजिए, कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और देख लीजिए एक बार। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जरा देखते हैं, ये है जैसे मान लो एक ग्राफ ऐसा दे रखा है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, टाइप्स तो हटाओ, ये कुछ एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ कि इधर है वेलोसिटी, इधर है टाइम, एक तरफ वेलोसिटी वाई एक्सिस पर और उस पर टाइम, और मैंने कहा कि ये ना ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। अब आप ये देखो,
इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और मैंने ना तीन चीजें जो हैं वो एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ। जैसे हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता था, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं क्या करता था कि अगर मैं उसका स्लोप निकाल लेता था तो उससे हमारे पास आ जाती थी स्पीड या वेलोसिटी। ये तो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक कैलकुलेशन करने वाला जो मेथड था। दूसरा, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो मेथड्स थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते थे तो आता था एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का अगर हम एरिया निकाल लेते थे तो हमारे पास आ जाता था डिस्टेंस कवर्ड। तो आप ये देखो कि अगर ये वाला एरिया, इसको मैं बोल दूं एरिया वन, अगर ये वाला एरिया, इसको हम बोल देते हैं एरिया टू, और अगर ये वाला एरिया, इसको हम बोल देते हैं एरिया थ्री, तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलता है, जो भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें और टाइम एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया हो रहा है ना, उस एरिया को अगर आप ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है ये, बताइए। यस सर। ठीक है, और अब ये जो है इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ किस तरीके का है, अगर इसका कोई और हम एग्जांपल देखें। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ऐसा है कि वेलोसिटी पहले 0 से स्टार्ट हुई, फिर धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ी, मतलब मैं स्कूटर चला रहा हूँ, मैंने धीरे धीरे उसमें स्पीड देना शुरू करा, फिर मैं अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचा, फिर अचानक मेरे को दिखाई दिया कि आगे जो है थोड़ी दूरी पर ट्रैफिक सिग्नल है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट हो जाएगी, मेरे को रुकना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, फिर हमने धीरे धीरे स्पीड को छोड़ना शुरू करा, छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, तो धीरे 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 स्कूटर धीरे होता गया, और फिर फाइनली मैंने देखा कि मेरे पहुंचते ही वहां पर रेड सिग्नल हो गया, और रेड सिग्नल हो गया तो मेरी, मैंने ब्रेक ही लगा दिए पूरी तरह से, तो मेरा स्कूटर रुक गया। ठीक है, अब हमने ये कहा कि यहाँ पर लगातार, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लगातार वेलोसिटी और नीचे की तरफ जाती जा रही है जाती जा रही है जाती जा रही है, नेगेटिव में अपने पीक पर पहुंची, और नेगेटिव में पीक पर पहुंचने के बाद फिर वेलोसिटी को हमने बढ़ाना शुरू करा। ये किस केस में, ये इस केस में है कि हमारी जो वेलोसिटी है, हमारी वेलोसिटी कभी हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है, वेलोसिटी नेगेटिव होने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इतना है कि रेड लाइट पर जाते ही मुझे ये याद आया कि मैं तो अपने घर पर कुछ जरूरी सामान भूल गया हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने स्कूटर को वापस घुमा लिया। तो अब जब मैं स्कूटर को वापस घुमा रहा हूँ, तो वापस घुमाते ही फिर क्या होगा, अब मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया, तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गया, तो आप समझिए कि वेलोसिटी हमारी बढ़ तो रही है, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने का मतलब क्या है, कि मुझे जाना तो नॉर्थ में था, लेकिन मैं घर पर कुछ जरूरी सामान भूल गया, तो मैं वापस साउथ की तरफ जा रहा हूँ, मतलब वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। फिर वापस यहाँ पर मैं पहुंचा, जैसे ही मैंने देखा कि हाँ अब तो ये हमने, मतलब स्कूटर को पूरा जितनी भी हम स्पीड पर 40 50 60 जितना भी हम चलाते हैं वहां तक हमने पहुंचा, वहां पर पहुंचने के बाद फिर मुझे दिखाई दिया कि मेरे घर तो आने वाला है, मेरा घर अब पास में ही है, तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा कि अब मेरे को स्पीड अपनी कम कर लेनी चाहिए, तो हमने धीरे 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 स्पीड छोड़ दी। तो स्पीड छोड़ी तो धीरे 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 करके, और फिर घर तक पहुंचते पहुंचते हमारी स्पीड हो गई 0, तो यानी कि यहाँ पर हमारी स्पीड 0 हो गई। तो आप ये कहेंगे कि स्पीड छोड़ी जब हमने, तो स्पीड जब हम छोड़ रहे हैं यानी कि अब हम स्पीड घटा रहे हैं, तो क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन है तो यहाँ पर सब काम भी उल्टा ही होगा। आप ये कहेंगे कि जब मैं स्पीड बढ़ा रहा था तब तो ये नीचे की तरफ आ रहा था ग्राफ, ऐसा कैसे भाई, क्योंकि मैं उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो उल्टा काम होगा। स्पीड जब मैं बढ़ा रहा हूँ, जब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो ये ग्राफ नीचे को जाता हुआ नजर आएगा, बिकॉज आई एम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और फिर मैंने स्पीड घटानी शुरू करी क्योंकि मुझे दिखाई दे गया मेरे घर का दरवाजा आने वाला है, मेरे घर पे मैं अपना पहुंचने वाला हूँ, तो मैंने स्पीड को अब छोड़ दिया, मैंने स्पीड को घटाना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 स्पीड घटती चली गई। तो जब वो घट रही है तब आप कहोगे कि अरे अब आप ये ऊपर उठता हुआ ग्राफ दिखा रहे हो, वो इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो इस वजह से जो बढ़ती हुई चीज है वो बढ़ती हुई नहीं है, वो घटती हुई है, स्पीड घटती हुई है, और ये घटती हुई स्पीड है, ये घटती हुई स्पीड नहीं, ये बढ़ती हुई स्पीड है, बस डायरेक्शन उल्टा है। ये समझ में आ गया सबको? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर यहाँ बताइए। पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा जो आपने यहाँ लिखा है? डिस्टेंस, ना ना ना, यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होगा।
यहां डिस्टेंस ही होगा, यहां डिस्टेंस ही होगा, सोचकर बताओ क्यों। नहीं सर मैं अच्छा कि जो डिस्प्लेसमेंट वन नहीं होगा, खाली वन जब हम यहाँ से लेके रेड लाइट तक गए तो वही वाला वही तो होगा डिस्प्लेसमेंट बस। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। चलो मैं आगे वाला हटा देता हूँ, मैंने हटा ही दिया तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड ही होगा। समझ गए सर? पर पहले वाले केस में जब आपने वो एरिया 3 भी बनाया था उसमें तो डिस्प्लेसमेंट होगा, पर सिर्फ 3 होगा ना, 1 और 2 ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर Yes, दिया yes. और फिर 3 बचा। हाँ वो डिस्प्लेसमेंट की बात है फिर, क्योंकि ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालने का। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो मैं सीधा सीधा निकाल लूंगा। डिस्प्लेसमेंट तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन है उन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ये जो होता है ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, उसके नीचे का जो एरिया निकालने वाला फॉर्मूला होता है, तो वो एरिया वाले फॉर्मूले से तो हमारे पास डिस्टेंस ही आता है। समझ गए? सर आई थिंक जब आपने पहले कराया था, जो आपने बनवाए थे उसमें आई थिंक आपने एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट लिखवाया था। बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखवाया होगा, लेकिन वो क्यों करवाया था सुनिए। ये अब मैं अलग अलग तरीके के ग्राफ्स बता रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे पास मिक्स्ड ग्राफ्स भी आ सकते हैं। वहां पर ना मैंने डिस्प्लेसमेंट ही बताया था, वो क्यों बताया था वो देख लीजिए। क्योंकि वहां पर अगर इधर ये टाइम है और इधर वेलोसिटी है, तो यहाँ हमारा इस तरीके का था, ये बस मान लीजिए इस तरीके का था। या अगर मैं आगे भी कहूँ, अगर मान लो कोई ऐसा भी ग्राफ है तो उसमें भी मेरे को क्या करना होगा, ये क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में वेलोसिटी मेरी बढ़ती जा रही है, फिर उसके बाद जितनी बढ़ी उतने पर कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी। तो अगर इसकी बात मैं करूंगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, लेकिन जब मेरी वेलोसिटी कम भी हो रही है तो इसका मतलब, और जब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा हूँ, मैं बीच में मुड़ भी रहा हूँ वापस। तो इस वजह से यहाँ पर जो मैं निकाल रहा हूँ वो तो डिस्टेंस ही निकलेगा, लेकिन जब ये बढ़ता हुआ है तो मैं ये कहूंगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ता हुआ है, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारा डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो वो एक ही बात है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन मोशन अगर है कि मैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, लेकिन जहां मैं मुड़ा तो आप समझ लीजिए फिर डिस्टेंस अलग हो गया और डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया। समझ गए? तो यहाँ पर जो नेगेटिव में जा रहे हैं, ये नेगेटिव वाला, आप ये देखो नेगेटिव वाला मैंने ग्राफ भी तो पहला ही बताया है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा तो नहीं बताया था ना कि जिसमें वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही हो, तो इस वजह से यहाँ मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। समझ गए? यस सर। भाई बाकी बच्चे बताइए, बाकी सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है पार्थ, विदुषी, यश, कनिष्क? यस सर। ठीक है जी, फिर इसके बाद में मैं यहां पर देखते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं, एक ये क्वेश्चन किस तरीके का आता है, इसमें एनसीईआरटी का करवाता हूँ कोई क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नोट करें, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फॉर अ व्हीकल
the velocity time graph, the velocity time graph for a vehicle is shown in figure. For a vehicle is shown in figure. The velocity time graph for a vehicle is shown in figure. Full stop. Draw acceleration time graph from it. Draw acceleration time graph from it. देखिए आप कहोगे acceleration time graph तो हमें कराया नहीं गया, तो ऐसे कैसे बनाएंगे? अभी बताता हूँ. पहले देखिए इसमें ना एक फिगर दे रखी है. फिगर क्या है? टाइम है और वेलोसिटी है. जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. सिक्स, सेवन. वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड में और टाइम दे रखा है सेकंड में. ये बोल रहे हैं कि आप इससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ. ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम बना सकते हैं बड़े आराम से. कैसे? आप ये देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो मैं एरिया निकालता हूँ तो उससे तो आ जाता है डिस्टेंस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब मैं स्लोप निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाता है एक्सेलरेशन. तो आप ये देखिएगा, मैंने इसको O बोल दिया, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो. सर A भी 20 पे है, उससे थोड़े नीचे है. क्या कर रहे हो? 20 पर है बेटा, 20 पर है, 20 पर है. वो मेरे बनाने में थोड़ा बहुत फर्क रहा होगा. ठीक, अब जरा देखिएगा कि मैंने ये कहा कि O से लेकर A तक लगातार वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है. तो मैं ये कहूंगा एक्सेलरेशन From O to A, slope of OA, और स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये जो है ये 2 और 3 के बीच में 2.5 है. अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? 20, और बेस कितना है? 2.5. 20 अपॉन 2.5. समझ रहे हैं बेटा? बताइए, पॉइंट गया तो ऊपर जीरो आया, 25 8 था, तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकंड. उसके बाद जब ए से लेकर बी तक हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी बढ़ी नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो. तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन फ्रॉम A to B is equal to zero because velocity is uniform. आपने शायद वहां सेकंड नहीं लिखा क्या? सर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो. छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गए हो. 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं. एक्सेलरेशन लिखूंगा फ्रॉम बी टू सी. तो एक्सेलरेशन
फ्रॉम बी टू सी. बेटा ये बता दो ये एक्सेलरेशन जीरो है ए से बी के बीच में, ये सभी को क्लियर है इतना? यस सर. ठीक है, अब एक्सेलरेशन देखेंगे बी से सी का. मुझे ये पता है कि अब यहाँ पर बी से सी तक मेरी वेलोसिटी लगातार घटती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है. तो जब वेलोसिटी लगातार कम होती जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो यहाँ जो हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा वो कितना आएगा? स्लोप ऑफ बी सी. अब ये घटता हुआ है तो इसके आगे नेगेटिव साइन तो अपने आप ही लगा दो. परपेंडिकुलर कितना है? 20. और बेस कितना है? 5 से 7. 7 माइनस 5 कितना? 2. तो 20 अपॉन 2, 20 अपॉन 2 माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ग्राफ बनाना है. ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं. इधर ले लो टाइम और इधर ले लो एक्सेलरेशन. अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो 8 तक जा रहा है तो यहां आप लिखो ऐसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 और नीचे -2, -4, -6, -8 और -10. ठीक. अब देखिए ओ ए, अब ये कितने टाइम तक 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? कितने टाइम तक? 2.5 तक. तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 0 से लेकर 2.5 तक एक्सेलरेशन कितना है? 8. ऐसे. ठीक है, उसके बाद 2.5 से 5 तक एक्सेलरेशन कितना है? 0. ये एकदम से एक्सेलरेशन डाउन हो गया और 2.5 से 5 तक एक्सेलरेशन रहा 0. फिर 5 से 7 तक एक्सेलरेशन कितना है? -10. तो 5 पर एकदम नीचे आ जाओ -10 वाले लेवल पर. ठीक, तो 5 से और 7 तक एक्सेलरेशन हो गया -10. बता दीजिए जी, क्लियर है कि नहीं? सभी को समझ आ गया? बताइए बेटा. यस सर. यस सर. पार्थ, लक्ष्य? यस सर. यस सर. दिवस, क्लियर है सभी को? ठीक है जी, तो इतना ही कर लीजिए और इसके बाद बस लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी. तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. सर. हाँ जी बताओ. सर, जो आपने -10 से वापस 7 तक की जो लाइन ड्रॉ करी है वो भी ड्रॉ करी है? वो इस वजह से ड्रॉ करी है क्योंकि ये ना 7 पर आकर खत्म हो गया. 7 पर आकर खत्म हो गया मतलब ये ग्राफ खत्म हो गया कि जो मोशन है वो 7 तक का ही दिखा रखा है. तो इस वजह से उसको खत्म कर दिया हमने वहां पर. अगर वहीं पर मैं छोड़ देता तो इसका मतलब ये हो जाता कि ये आगे भी जा सकता है, यानी कि और ज्यादा फर्दर रिटार्डेशन हो रहा है. तो उसको खत्म कर दिया वहां पर लाकर, इसलिए कराया ऐसा. समझ गए बेटा, सभी को क्लियर है? चलिए जी, फिर आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. हाँ जी बताइए सर. जैसे यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, अगर फिर उसके बाद फिर से मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती है और एक्सेलरेशन होता है तो फिर कैसे होगा? तो फिर ये ग्राफ बताएंगे जैसे ऐसे है ना, तो फिर ये इस तरीके से बढ़ेगा. अब मान लो फिर से वहीं तक पहुंच जाता है ये ऐसे, और कितने टाइम में पहुंचता है? मान लो 8 तो यहाँ पर है और यहाँ पर हो जाए 9. तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं स्लोप निकालूंगा इसका. तो ये 20 और ये कितना है? 2. तो 10 हो गया. तो इसका मतलब क्या है कि ये -10 से फिर सीधा 10 पर जंप कर जाएगा यहाँ ऐसे, फिर आगे बढ़ेगा. कितने टाइम तक? 9 सेकंड तक. ये 7 था, 8 और 9, तो 9 सेकंड तक ऐसे रहेगा, ऐसे बनेगा. ठीक है. ठीक है बेटा, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास 9 बजे लूंगा मैं. ओके सर. थैंक यू सर. ओके.
थैंक यू सर. ओके.